राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज मैं आपको एक नई जगह पे लेके आई हूँ। सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में तो आपने सबने सुना है, और सिंधु घाटी की सभ्यता का आज मैं एक स्थल दिखाऊंगी जो कि हमारे भारत में पंजाब राज्य के रोपड़ नाम की जगह में स्थित है। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ये सभ्यता लगभग 2500 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिम भाग में फैली हुई थी, जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से जाना जाता है। 1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सिंधु घाटी के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे दो नगरों की खोज हुई, और बाद में भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने 1924 में सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा कर दी। सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र है बहुत बड़ा था। सिंधु इंडस नदी के किनारे बसने वाली सभ्यता थी, और अपनी भौगोलिक उच्चारण की विभिन्नताओं की वजह से इस इंडस को सिंधु कहने लगे। आगे चलकर इसी से यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए हिंदू उच्चारण का जन्म हुआ। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से इस सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। विद्वानों ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम इसलिए दिया क्योंकि ये क्षेत्र सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में आते हैं, परंतु बाद में जैसे जैसे और खुदाई हुई तो और भी क्षेत्र निकले जो कि इसकी सहायक नदियों, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र से बाहर थे, जिनमें से एक रोपड़ हो गया, लोथल हो गया, कालीबंगा, बनवाली, रंगपुर, तो आदि क्षेत्र, यहाँ से भी इन सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो आज मैं आपको सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बाहर का क्षेत्र है रोपड़, तो मैं आज रोपड़ में आई हूँ। ये देखिए, अभी रोपड़ की मैं जगह दिखाती हूँ। यहाँ से भी सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले थे, खुदाई हुई थी यहाँ पे। ये देख सकते हैं आप, ये कुआं है, बहुत गहरा कुआं है, इसके अंदर भी बहुत चीजें निकली हुई हैं, ऊपर से ढक दिया है। इतना गहरा कुआं, आवाज आ रही है मुड़ के वापिस, इस कुएं में बोल रहे हैं। तो रोपड़ जो है चंडीगढ़ से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस स्थल की खोज जो है प्रोफेसर ब्रिजवासी लाल द्वारा 1950 में की गई थी। उसके बाद डॉक्टर यज्ञदत्त शर्मा ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निर्देशन में इस स्थल का उत्खनन कार्य शुरू किया, जो कि 1952 और 1955 के मध्य में हुआ। रोपड़ का वर्तमान नाम रूपनगर है, और रूपनगर में ही स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले हड़प्पा सब स्थल की खुदाई की गई थी। रोपड़ में बहुत सारी चीजें निकली हैं, जैसे कि मिट्टी के बर्तन निकले हैं, तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है यहाँ से। यहाँ पे मिले मकानों के अवशेषों से लगता है कि यहाँ के मकान पत्थर और मिट्टी से बनाए गए थे। और रोपड़ में एक ऐसा कब्रिस्तान मिला है जिसमें मनुष्यों के साथ पालतू कुत्ता भी दफनाया गया था। ऐसा उदाहरण किसी भी हड़प्पा कालीन सभ्यता के स्थल से नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन इस प्रकार का साक्ष्य नवपाषाण युग में बुर्ज होम कश्मीर से मिलता है। जो आपको घर दिखाई दे रहा है इसको नूरपुर कोठी कहते हैं। और अभी चलो यहाँ से चलते हैं, अभी जाएंगे आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम ऑफ रोपड़, तो अभी रोपड़ के म्यूजियम में चलते हैं। तो चलो साथ चलते हैं। ये देखिए, अभी नीचे आ गई हूँ मैं, वहाँ से नूरपुर कोठी से नीचे आ गई। यहाँ पे भी एक ऐसा ही कुआं है, ये भी बहुत गहरा कुआं है, इस पर भी खुदाई हो रखी है। अभी मैं आ गई हूँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम रोपड़, यहाँ पे अंदर जाऊँगी। यहाँ से मैंने सब कुछ देख लिया, लेकिन अभी वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे बाहर ये जो बीना बजाती हुई स्त्री है, इसकी भी एक छोटी सी मूर्ति निकली थी, तो वो अंदर रखी हुई है इन्होंने म्यूजियम में, लेकिन अंदर वीडियो नहीं बना सकते। इसका ये बड़ा साइज बना के इन्होंने बाहर शोपीस में लगा दिया, और कुछ और चीज़ें हैं जो इनके म्यूजियम में रखी हुई हैं, तो उनकी पिक्चर से आगे ये देख सकते हैं आप। सुराही शीर्ष है, कांस्य तश्तरी है, धूपदान है, ये मातृ देवी की मूर्ति है, चकिया पत्थर है, मृद भाण है, ये बाड़ा संस्कृति के हैं। ये चंद्रगुप्त प्रथम का स्वर्ण सिक्का है, सोने का सिक्का, अपोलो दोतस द्वितीय के सिक्के के ढांचे हैं।
तो ये आप देख सकते हैं ये एज इट इज ऐसी ही की ऐसी ही निकली हुई है, ये वहाँ म्यूजियम में अंदर रखी हुई है ये सारी चीजें। तो ये थी हड़प्पा कालीन सभ्यता के रोपड़ नाम के स्थल की कुछ जानकारी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।